एंटरटेनमेंट के महारथी अक्षय कुमार अपने फैंस को खुश करने से कभी नहीं चूकते, कभी स्टनिंग एक्शन सीन से तो कभी अपने रिप टिकलिंग कॉमेडी से। अक्षय सभी का मनोरंजन करते रहते हैं। आने वाले वक्त में अक्षय कुमार और भी कुछ इंटरेस्टिंग फिल्मों में नजर आएंगे। आइए डालते हैं एक नजर उन फिल्मों पर। हॉलीवुड फिल्म वॉरियर के रीमेक में अक्षय कुमार का रोल निश्चित हुआ है। उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आएंगे। इंडियन वर्जन में इस फिल्म का टाइटल होगा ब्रदर्स। इट्स एन एक्शन मूवी विद अ फैमिली ड्रामा एज द सेंटर प्लॉट, वेयर टू सिब्लिंग्स फेस ईच अदर इन द मार्शल आर्ट टूर्नामेंट फॉर अ ग्रैंड प्राइज। इसमें अक्षय की इंटेंस एक्टिंग और सुपर्ब एक्शन सीन्स भी देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार को उनके कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाना जाता है, और शायद इसीलिए सुनने में ये आ रहा है कि प्रभु देवा ने अक्की को अपनी अगली फिल्म सिंग इज ब्लिंग में कास्ट किया है। इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय के साथ बेबो करीना कपूर और कृति सनोन भी नजर आएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अक्षय की प्रीवियस फिल्म सिंग इज किंग बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, और इसीलिए सिंग इज ब्लिंग से भी वही उम्मीदें रखी जा रही है। वन ऑफ अक्षय मोस्ट अवेटेड फिल्म इज गब्बर, प्रोड्यूस्ड बाय संजय लीला भंसाली एंड वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स। दिस फिल्म इज अ क्राइम थ्रिलर जिसमें श्रुति हसन, प्रकाश राज और सोनू सूद भी नजर आएंगे, और पहली बार अक्षय और श्रुति की जोड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। खिलाड़ी कुमार इस फिल्म में किस तरह के गब्बर का रोल करेंगे ये तो फिल्म का ट्रेलर ही बताएगा। इसके अलावा खबरों की माने तो अक्षय कुमार नीरज पांडे की एक्शन थ्रिलर बेबी में भी नजर आएंगे, और उसके बाद ओ माई गॉड के सीक्वल में भी अक्षय फिर एक बार गॉड का किरदार निभाएंगे। विद ऑलमोस्ट 5 फिल्म under his sleeve, it seems Akshay will be very busy with his commitments in the coming year. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।